तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपको भी मैं ऐसे सिखाऊंगा कि जैसे मैं कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, फ़ोन से कर रहा हूँ, लेकिन मेरा बैकग्राउंड ब्लर है। वो भी इतने महंगा फ़ोन नहीं है कि बैकग्राउंड ब्लर हो सके कि ऐसा कुछ। तो मैं बैकग्राउंड ब्लर करता हूँ कैप कट से, तो मैं आपको भी आज सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, थैंक यू। और वीडियो को पूरा देखना, तभी आप सीख पाओगे। और नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना यार। चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर चुका हूँ, और सबसे पहले आपको अपना कोई भी एक VPN कनेक्ट कर लेना है, क्योंकि कैपकट इंडिया में चलता नहीं है। तो VPN कनेक्ट करके ही आप चला सकते हो, इंडिया में बैन है। यहाँ थोड़ी कनेक्शन स्पीड स्लो रहता है, तो मैं थोड़ी बाहर निकल लेता हूँ। यहाँ से हम VPN कनेक्ट कर लेंगे। यह हमारा VPN कनेक्ट हो चुका है, और यहाँ से हम फिर अपने कैपकट ऐप को ओपन करेंगे। बैकग्राउंड बस ब्लर नहीं करना है हमको, पूरा वीडियो एडिट करना है। तो यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अपना जो अभी मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है उसको मैं ले आता हूँ कैपकट पे। और सबसे पहले वीडियो देखो, बैकग्राउंड ब्लर नहीं है। हाँ, तो इसका बैकग्राउंड ब्लर करना है हमको। तो सबसे पहले आ जाना एडजस्टमेंट पे, पहले इसको एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे हमको वीडियो को रोक देना है जहाँ पे पूरा सब एक समान दिखे, और वह बैकग्राउंड ब्लर कर देना है ऐसे। फिर यहाँ से आपको एडजस्ट करना है, फिर हम बताएंगे बैकग्राउंड ब्लर कैसे करना है। आप तो सीख ही जाओगे अगर हमारी चैनल को सब्सक्राइब करते, एडिटिंग आप सीख जाओगे। अपनी वीडियो के हिसाब से आपको एडजस्ट कर लेना है। यहाँ से मैं ग्राफ से थोड़ी बना लेता हूँ। ग्राफ तो मेन ही रहता है वैसे, क्योंकि ग्राफ से जो है वीडियो क्वालिटी अच्छी दिखती है। तो यहाँ से हम इसको डन कर लेते हैं। ये हमारी सारी वीडियो पे हो चुका है। अब इसको बैकग्राउंड ब्लर करना है इसका, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अपनी वीडियो के ऊपर। वीडियो जब सेलेक्ट हो जाएगा तो यहाँ से हम करेंगे कॉपी। वीडियो जब कॉपी हो जाएगा तो वो आ जाएगा उसके बगल पे। तो बगल पे आने के बाद हम यहाँ से करेंगे ओवरले। ओवरले पर जैसे ही क्लिक करेंगे, फिर इसको ले आएंगे पूरा एक बराबर पे कर देंगे। ओरिजिनल वीडियो और ओवरले को एक बराबर पे कर देंगे शुरू से जो चले। फिर जो ओवरले है उसको उस पर आ जाएंगे कटआउट पे। कटआउट पे आने के बाद रिमूव बैकग्राउंड जैसे ही करोगे तो रिमूव बैकग्राउंड होने लगेगा। थोड़ी सी टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ नेटवर्क स्लो चलता है, तो इंटरनेट के बिना तो ये सब चलता है। तब तक आप रील भी देख सकते हो। और ये रही मेरे इंस्टाग्राम आईडी, तो इसको जाके फॉलो जरूर से कर लेना। नेटवर्क प्रॉब्लम है, ये रही मेरे इंस्टाग्राम आईडी, इसको फॉलो जरूर से कर लेना। और तो आपको वहाँ से आ जाना है इफेक्ट पर। इफेक्ट ये रहा, इफेक्ट पर आने के बाद वीडियो इफेक्ट पर आपको आना है। वीडियो तो यहाँ से हमारा इफेक्ट खुल चुका है, और इफेक्ट खुल चुका है तो हम यहाँ डायमंड जूम को करेंगे। तो देखिए हमारा, लेकिन ये अभी पूरा नहीं हो चुका है। तो स्पीड है, स्पीड को पूरा कम कर देना है, और इंसिडी को कम कर देना है, साइज को भी कम करना है, और यहाँ से आपको टर्न कर देना है, और इसको लगाना है पूरा वीडियो पे कर देना है। ये हमारा वीडियो बन के रेडी हो चुका है। तो
बाय, जय हिंद जय भारत, यहाँ से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे।